ये ब्रिज के नीचे मूर्ति बनाई हुई है, यहाँ पे जो सिग्नल है ब्रिज के। दोस्तों इधर गरम गरम हमारा रोटी बन रहा है टिफिन के लिए, और एक कविता जी बना रही है। थोड़ा यहाँ पे खाव है तो सोचा थोड़ा रुक लो यार, बहुत परेशानी से हालत खराब है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में, और आप सभी को मेरे तरफ से सलाम जोहार नमस्ते। दोस्तों आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हुआ है सुबह और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, क्योंकि काम पे जाना है, ये डेली का मेरा प्रोसेस है। और हमारा टिफिन तैयार हो रहा है, मानसी रिहान को भी उठा रहे हैं, और उसके बाद हम आज थोड़ा सा लेट जाने वाले हैं, तो सबके साथ में आज नाश्ता करेंगे और इन लोग को टाटा बाय बाय करके और फिर चलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों इधर गरम गरम हमारा रोटी बन रहा है टिफिन के लिए, और एक कविता जी बना रही है। ये देखो इधर हमारा डब्बा भी भर के रेडी हो गया है, ये हमारा टिफिन में पैक होगा और वो नाश्ता में मिलेगा ना। हाँ जी, हाय। हाँ। और नाश्ता में क्या बना? चाय बन के रेडी हो गया? चाय भी बन गया है, सब्जी भी बन गया है। चलो चाय बन गया है, सब्जी इतना कम क्यों बनाई? सब लेके आया था ना, ज्यादा लेके आया था। मैं जानबूझ के थोड़ा बनाया, उसमें आलू डाल के बनाऊंगा। ये देखो ये मेरा ही भर का सब्जी बना है, फिर इन लोग के लिए अलग बनेगा टेस्टी टेस्टी, मेरा बिना टेस्टी वाला सब्जी बना है। नहीं, हम लोग का मानसी उठ गई है, मानसी उठ गई है और यहाँ भी अभी उठने के कतार में। चलो बेटा फ्रेश हो जाओ, चलो साथ में आज नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा रेडी है चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। मानसी भी रेडी है, है ना माँ? यहाँ दूध पियोगे ना? आए चाय। ये देखो चाय बोलता है, कितना बदमाश लड़का है। बच्चा लोग चाय पीते हैं और बड़े लोग नहीं, सॉरी यार मैं भी तुम लोग के चक्कर में गलत बोल रहा हूँ। बच्चे लोग दूध पीते हैं और बड़े लोग चाय पीते हैं। ओके ओके, देखना कोई रिस्पॉन्स नहीं। इन लोग को भी चाय चाहिए, क्योंकि आदत लगा दिए हैं, मुझे दूध चाहिए। लेकिन अभी कोई चाय नहीं मिलने वाला है, सिस्टम चेंज। आप दोनों को दूध मिलेगा और हम लोग के लिए चाय, मुझे तो जल्दी जल्दी चाय लाओ। मानसी के लिए दूध, बोनमीटा और रोटी, यहाँ के लिए बोलो जल्दी। यहाँ को देखो साइलेंट रहता है, लेकिन देखो दिखा 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 दिखा, इधर आम खा के लेटाया है यहाँ पूरा टी शर्ट। आम चोरी करके खाया था क्या यहाँ? हाँ तो लेटा लिया पूरा टी शर्ट। ये देखो कैसा पूरा टी शर्ट में दाग लगाया, दिखाना दिखाना यार। ये देखो इधर देखो इधर देखो, पूरा टी शर्ट में दाग लगा लिया। तो जल्दी से हम लोग को चाय लाओ, हम लोग बैठे हुए हैं रेडी रेडी रेडी। चाय 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 भैया, गर्मा गर्म रोटी और इस साला ये घी में चोपड़ा हुआ कि तेल में? लेकिन हम लोग तेल में है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि घी में चोपड़ा हुआ है। क्यों कम समझने का अपने आप को? किसको मालूम है कि तेल में है कि घी में है? हम लोग घी में खा रहे हैं, है ना। और ये मानसी का और यहाँ का बोनमीटा दूध आ गया है, तो चलो तुम लोग शुरू करो, मेरा चाय आएगा फिर मैं भी खाता हूँ साथ में। दोस्तों हमारा भी गर्मा गर्म चाय आ चुका है, और चाय या रोटी खाते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे काम पे। मानसी रिहान जाएंगे ट्यूशन और हम जाएंगे काम पे। तो चलिए पहले चाय और नाश्ता कर लेते हैं, आप सभी के लिए भी चाय और नाश्ता रेडी है, आप सभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं रेडी हो गया हूँ और यहाँ से अभी निकलेंगे काम पे, और नाश्ता पिस्ता सब हो गया, टिफिन हमारा पैक हो रहा है, ये रहा रोटी और इधर सब्जी डब्बा में पैक हो जा रहा है। और मानसी और यहाँ को करते हैं बाय बाय। बाय बाय यहाँ, मानसी बाय। अभी ट्यूशन जाने का टाइम हो गया ना तुम लोग का भी? हाँ। तो तैयार हो जाओ। अच्छा अभी ठीक है, तुम लोग ट्यूशन जाना और बढ़िया से फिर पढ़ना है, घर पर भी आके होमवर्क करना, बदमाशी नहीं। ओके यहाँ, अच्छा लड़का बनना, ओके ना। ओके बाय। तो चलिए दोस्तों मैं निकलता हूँ काम पे, और टिफिन हो गया, चलो लाओ। तो दोस्तों ये रहा फूलों का नज़ारा डिवाइडर के ऊपर, और पहले रोड से साइड में हो जाता हूँ, और अभी घर से निकल गया हूँ। सूरज
बहुत ही तेज़ों से धूप दे रहा है और गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। तो अभी चलते हैं पहले स्टेशन और ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंचते हैं पहले अपनी जगह पे। और यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, उधर छोटी गंगा साफ़ हो रही है, वो किरान लगा हुआ उधर, ये देखो ये पूरा साफ़ हो गया है और वो लगा हुआ है मशीन। और ये जो तालाब दिख रहा है ये भी अभी सफाई होगा उधर साफ़ होने के बाद, तो ये भी साफ़ करेगा दो दिन के बाद, क्योंकि बारिश अभी आने वाली है तो बारिश में पूरा गटर साफ़ होता है ताकि दिक्कत ना हो। दोस्तों ये रहा टिकट काउंटर और अभी पास नहीं है तो पहले पास निकाल लेता हूँ मैं। दोस्तों एक महीने का पास मैंने ले लिया है और अभी चलते हैं स्टेशन के अंदर। दोस्तों ये देखो भाई साहब गेट पे खड़े होकर हवा का मज़ा ले रहे हैं। अभी तो भीड़ कम है क्योंकि गर्मी की छुट्टी हो गई है, नहीं तो गेट पूरा पैक रहता दोस्तों, और एक्चुअली मैं लेट जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ट्रेन में अभी भीड़ जो है वो एकदम बिल्कुल कम है, इससे डबल भीड़ रहता है। और तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं ग्रांड रोड और यहाँ पे उतरने के बाद ट्रेन को बोलते हैं बाय बाय, फिर से मिलेंगे शाम को। ये हमारी हम सफ़र है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और मुंबई की जान है। बाय बाय दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूँ ब्रिज पे स्टेशन से निकल के बाहर और आप देख सकते हो कितनी कड़कती हुई धूप है यहाँ पे, फुल गर्मी का माहौल चल रहा है भैया। और कुछ दिनों में यहाँ पे बारिश होगा तो फिर बारिश भी बहुत सारा लिखा हुआ है। तो चलिए पहले पहुँचते हैं अपने गाड़ी के पास, उसके बाद कहाँ जाना रहेगा आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। फिलहाल लेट जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो ब्रिज पूरा खाली है, नहीं तो ब्रिज पूरा भरा हुआ रहता है। और धूप तो देखो खतरनाक है धूप, और बिल्डिंग भी तगड़ी लग रही है। ये रहा दोस्तों एक खूबसूरत सी मूर्ति ब्रिज के नीचे, बच्चा है, मम्मी है, डैडी है और पढ़ाई कर रहे हैं सब। ये देखो क्या लिखा है, शक्ति 2023 सिया देवी संपूर्ण, इसके बारे में विशेष यहाँ पे, इसके बारे में विशेष यहाँ लिखा हुआ है। और बहुत ही प्यारा मूर्ति बनाया हुआ है और एक दर्शाया हुआ है कि बच्चा पढ़ रहा है और मम्मी डैडी इसके साथ है। और ये रहा यहाँ का कुछ इस तरह से नज़ारा, मुझे इस तरफ जाना है तो चलिए दोस्तों पहले निकलते हैं। दोस्तों धूप देख सकते हो, धूप कितना है, धूप बहुत ही खतरनाक है। और अभी पहुँचा थोड़ा यहाँ पर आव है तो सोचा थोड़ा रुक लो यार, बहुत परिस्थिति से हालत ख़राब है। यहाँ पे देखो फूल बहुत बहुत ही खूबसूरत गुलाबी गुलाबी फूल लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों गाड़ी तो निकाल लिया हूँ और अभी भरना है गाड़ी में डीजल, तो पहले डीजल भर लेते हैं, बाद में कुछ काम होता रहेगा नहीं तो फंस जाएंगे रास्ते में भैया, तो पहले डीजल भर लेते हैं। ये सामने लेफ्ट में यहाँ पे पेट्रोल टंकी है, यहीं पे भरते हैं। ये रहा, चलो यहाँ पे पहले डीजल भर लेते हैं। दोस्तों अभी आ गया हूँ दादी से टेग्यारी लेन में और ये देखो मेट्रो बन रहा है नीचे नीचे से, इधर भी बहुत दिक्कत करते हैं कोई कोई, पार्किंग का इधर बहुत लफड़ा है। तो अभी चलते हैं, सर का फोन आ गया है, सर को रिसीव करना है दादी सेठ 11 लेन से। दोस्तों ये है दादी सेठ 11 लेन और यहाँ पे 137, इसके अंदर में हमारा पहले ढाबा था सुनील भैया का, वहाँ पे काम करते थे। और अभी से सीधा सीधा जाएंगे वहाँ पे पीपल का जो झाड़ है जहाँ हम लोग बैठा करते थे पहले, यूनियन बैंक के पास, जैन स्कूल भी है वहाँ पे। ये सारी दुकानों में हम लोगों का होटल से टिकिन आता था। आज तो भीड़ कम लग रहा है लेकिन पार्किंग इधर कहीं नहीं मिलता, ये काफ़ी बदला बदला लग रहा है अभी। देखो इधर बिल्डिंगें सब धीरे धीरे पुरानी थी वो टूट रही है और इसमें नई बिल्डिंग बन रही है, कई जगह पर तो नई बिल्डिंग बन गई है। और ये सामने है दादी सेठ 11 लेन, पूरा दादी सेठ 11 लेन है, ये है आदर्श होटल। ये सामने जो पीपल का झाड़ दिख रहा है यहीं पे हम लोग बैठा करते थे। तो अभी दोस्तों अभी खाना पीना खा के रेडी हो गया हूँ और अभी यहाँ से निकलेंगे चेंबूर, और फिर चेंबूर में वही कोयल की आवाज़
आप लोगों को सुनाऊंगा और दिखाऊंगा और वहां पे मिलूंगा। तो अभी चलिए यहां से चेंबूर निकलना है दोस्तों। तो मैं वापस पहुंच गया यहीं पे जहां पे ये पेड़ पौधे और कोयल की आवाज़ शाम को चू 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 करके सुनाई देती। नहीं, कोयल की आवाज़ चू चू थोड़ी होती, चिड़िया की आवाज़ चू चू होती है। लेकिन अभी यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब शाम तक यहीं पे रहना है और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। देखो बॉल खेल रहे हैं भाई, हॉकी बॉल क्या क्या बोलते हैं, गोल्फ बोलते हैं इसको। तो पार्किंग लगाता हूँ पहले यहाँ पे, और पार्किंग एक बार में सीधा इधर ही लगा देते हैं ताकि इधर हवा हुआ आता रहे। ये सामने हमारी गाड़ी पार्किंग लग गई, ये एक लग गई पार्किंग दोस्तों। अब यहाँ पे बैठना है शाम तक, तो बने रहिए। और फिलहाल वॉशरूम वगैरह होके आता हूँ दोस्तों। गर्मी के मारे ठंडा ठंडा पानी अभी इसको पीने के बाद अलग सा शगुन मिलता है। हालांकि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, लेकिन अपने को ज़्यादा क्या, इधर कभी कपाड़ ये मिलता है ठंडा पानी। तो चलो पीते हैं पहले इसको मस्त, ताकि दिल को ठंडक मिले। एक छोटी वाली गाड़ी देखो घूमती है मस्त, कांच चलाने को मिलता, अपन भी घूमते इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। उस पर बॉल खेलते हैं, फेंक मारते हैं, जहाँ तक जाता वहाँ तक बैठ के जाते हैं वापस। दोस्तों अभी हो गई है हमारी छुट्टी और काफ़ी लेट हो गया है, तो अभी चाबी वाबी दे के अभी निकल रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में इधर उधर गए लेकिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो अभी चलते हैं सीधा घर पे और उसके लिए स्टेशन जाना है। आ गया हमारा लिफ्ट, खुल गया। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है लेकिन रहता शायद कोई नहीं है, क्या पता नहीं, कभी भी इस बिल्डिंग में लाइट उट जलते नहीं देखता हूँ। और यहाँ पे देखो ब्रिज के यहाँ तक पेंटिंग हो गया है और इधर चालू उधर आगे होगा, और यहाँ से हमें जाना है ग्रांट रोड। तो चलिए पहले चलते हैं स्टेशन। तो अभी पहुँचे हैं ग्रांट रोड स्टेशन और अभी मिलेगा 10:26 का ट्रेन। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। 26 मिनट दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ स्टेशन और आज बहुत थकान हो गई, और अभी चलते हैं। हमारी ट्रेन तो ऑलरेडी लगी हुई है, 5 मिनट के बाद आ जाएगी। तो चलिए ट्रेन पकड़ते हैं। चलो भैया मेरी ट्रेन आ गई, तो पहले ट्रेन पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं घर। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ नाला सुखारा और यहाँ पे गुड नाइट बोलते हैं ट्रेन को और निकलते हैं आगे घर के लिए। और मॉर्निंग में फिर से ट्रेन में मिलेंगे, क्योंकि ट्रेन है जो जान है मुंबई की, सुबह शाम मिलना होता है इनसे। बाय बाय ट्रेन। तो चलिए दोस्तों घर पे मिलते हैं। दोस्तों अभी पहुँचा हूँ घर पे और बिना नहाए हुए खाना खा रहा हूँ, और आवाज़ आएगा ही नहीं क्योंकि बहुत पंखे का तेज़ आवाज़ चल रहा है। और खाने में ये देखो क्या है, पूरा काला काला दिख रहा है। सब्जी है। ओ, ब्रेड पनीर का। अरे इतना चौड़ा कटोरी है, थाली में बैठेगा ही नहीं। नहीं है तो क्या करूं। जय श्री राम। ये देखो कविता जी आज कहाँ पे लेके आई है, पनीर का सब्जी आज पूरी खिला रही है। पहले खा लेता हूँ भूख लगा, फिर मिलाता हूँ सबसे। चाय भी मेरा बन चुका है वो लोग को लिए, अहान मानसी और अहान का पापा जी का, अभी उठ नहीं रहे, चाय बन के तैयार हो गए। टेन जी चाय बना दिया हूँ, उठो। यार एक दिन उठा, जल्दी उठा, उठा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो रही है सुबह, रात को वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल देखो चाय आ गया है और मैं चाय अगर टोस नहीं खाया तो वीडियो बनाते बनाते गायब हो जाएगा। ये दोनों पड़े हुए हैं टोस के पीछे, तो पहले मैं भी चाय पी लेता हूँ। इधर कविता जी आई है, ये भी चाय पी लेंगे और चाय पीने के बाद बात करता हूँ, नहीं तो ये लड़का जो है ना बहुत ख़तरनाक है, एक टोस पूरा खा जाएगा, मेरा भी हिस्सा नहीं खाएगा ना। नहीं अभी मैं खाता हूँ पहले, फिर बाद में बात करेंगे। तो अभी मानसेर यहाँ को ट्यूशन छोड़ता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं
दोस्तों नमस्कार। हम लोग सुबेरे उठ के चाय वाय पी लिए, रात को वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे एक जगह मिलते हैं ना तो गुर्दगी कुछ ज़्यादा ही करते हैं, तो वैसा ही कुछ माहौल बनाए। तो हम लोग खाना पीना खा के और फिर रात को घर पे आ गए थे और फिर सो गए थे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। वहाँ से आने में 12:30 बजे तो मैं उधर पहुँचा था, तो खाना पीना खा के फिर सो गए और वीडियो को एंड नहीं कर पाए। बट अभी सुबेरे हम लोग उठे, चाय वाय पिए और अभी हमारा खाना बन रहा है। ये देखो खाना बन रहा है, दाल बन चुका है और ये क्या है, लहसुन प्याज भुंजा रहा है। आलू का सब्जी बनेगा, आलू बोदी का सब्जी बनेगा और चावल बनेगा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय हो। आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई व्लॉग लेके आता रहूं। चलिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।